मत लेना आजादी का। ठीक बात बोल रहे हैं, ठीक बात बोल रहे हैं आप, ठीक बात बोल रहे ये मातम है शादी का, लेकिन ये मंजर है बर्बादी का। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो बहुत अच्छी अपनी बात हुई है आपका। नहीं, कुछ करना है तो करके दिखा, और जीना है तो मर के दिखा। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। और ये देश इस समय नासूर बन के हम सब बैठे हैं, देश है खतरे में, और देश भक्त बन के दिखा। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो ये हमने मॉडल निकाला है, इसमें 5 पैसे खर्च नहीं होना है, अपने लोगों को जोड़ना है। खुद ही चंद्रगुप्त की रेस में आगे निकल जाएंगे तो क्राउन भी सिर पे होगा। चाणक्यों की फौज है जो टेक्नोलॉजी से लेके कानून के ड्राफ्ट को जमीन पे उतारने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो बताइए, इतनी आसानी से हम ये सब कर पाएंगे? और हमें बहुत परिवर्तन करना है। देखिए, हमें इस देश से यदि निरोगी और दीर्घायु बनाना है तो रासायनिक विष को हटाना पड़ेगा। रासायनिक विष चारों तरफ से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारी शिक्षा पद्धति को तोड़ दिया गया है, हमें इसको दोबारा जागृत जीवित करना पड़ेगा। हमें इसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने तो उनकी दिव्य दृष्टि से वो सब चीजें देख ली जो कि सामान्य आदमी नहीं देख सकता है, लेकिन आम जनता समझ पाए। तो वो दिव्य दृष्टि ना होने के कारण हम उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो चीज दिखा दें जो वो अदरवाइज देखने की स्थिति में नहीं है। तो हमें देश को बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी बनाना होगा। और मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि जुड़िए जुड़िए जुड़िए, और लोगों को जोड़िए जोड़िए। और जोड़ने का काम हमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से करना है, क्योंकि उसमें जो है जो प्रोफाइल है, जब आप जोड़ेंगे, मैं आपको सबसे पहले तो वो प्रोफाइल भेज रहा हूँ, मतलब लिंक भेज रहा हूँ, तो उससे आप ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइए। और आगे आपको जो जोड़ने का काम करना है वो इस ऐप में सबसे नीचे राइट साइड में प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के माध्यम से आपको करना है। क्लियर? तो उसमें आपको जो है, जैसे आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, राइट? और आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक, शेयर ऑन एनी मीडिया एंड डाउनलोड। तो यदि आप डाउनलोड करेंगे तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। और यदि हम कॉपी लिंक कर लेते हैं तो हम उसे किसी भी जगह पोस्ट कर सकते हैं। जनरली हम इसे व्हाट्सएप पे पोस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? हम अपने प्रोफाइल से यदि व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हम जुड़े हुए हैं उनको वो लिंक भेजेंगे और वो उससे जुड़ेंगे तो उसके मार्क्स जो है हमको मिलेंगे, जो कि अपने आप को चंद्रगुप्त या सदस्य संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो ये बड़ा बहुत ही अच्छा मॉडल है, और मुझे लग रहा है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 2023 में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम यदि सभी राजनेताओं को पराजित करके इस मॉडल को वो कर पाएंगे तो कुछ महीने का समय हमें अपना काम दिखाने का मिल जाएगा। हम 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को पराजित कर पाएंगे। तो आप मेरे ख्याल से मेरी बात से सहमत होंगे? नहीं, अरे आप कैसी बात, जब विचार सेम एक है और सेम जो आपकी सोच है वही हमारी भी सोच है, हमारे पूरे मिशन की सोच है। तो आपका जो है क्या फैलाव है मध्य प्रदेश में और कहना चाहिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मॉडल की ताकत हम इन 3 राज्यों में नवंबर दिसंबर में दिखाएं। जी जी जी। क्योंकि देखिए, इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी नियत में प्रॉब्लम हो सकती है यदि हम अपने ही लोगों को ना जोड़ें। देखिए, इस ये मॉडल कह रहा है कि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, ठीक है ना? और वो कह रहा है कि 100 करोड़ जो 9वें दिन 90 करोड़ जोड़ेंगे, चूंकि 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो
9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास केवल एक दिन है, तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है, तो केवल 9% लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। आप बताइए, 10 लोगों को जोड़ना कठिन काम है क्या? पांच कोई सर नहीं। लोग तो अपने परिवार के ही हो गए, एक दो मित्र हो गए, एक दो पड़ोसी वगैरह जो भी हो गए, तो हम बड़ी आसानी से। तो आप बताइए, सिर्फ 9% लोग जो है सिर्फ 10 लोगों को जोड़ देंगे तो 99% संकल्प पूरा हो जाएगा। अब आप ये बताइए, ये जो इस मॉडल में रखा गया है कि हमारे लोग जो है, जब चंद्रगुप्त की हम घोषणा करेंगे, वो मेरिट लिस्ट होगी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले की, और जब कोई कहेगा कि प्रमोद यादव जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका नंबर ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 2 है और चुनाव चिन्ह ये है, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, और हम जब पेपर की ट्रेल है उसे भी ध्यान से देखूंगा, यदि पेपर की ट्रेल वही है जो कि प्रमोद यादव जी की है, तो भी मैं ऐप के माध्यम से इस बात को रिपोर्ट करूंगा, जिससे कि यदि ईवीएम मशीन के जोड़ की गड़बड़ी है तो वो पकड़ में आ जाएगी, राइट। और यदि हम बटन दबाते हैं और प्रमोद यादव की जगह उसमें कमल का फूल निकलता है, तो हम वहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देंगे कि अभी अभी हमने वोट दिया है, हमने वोट जो है ना श्री प्रमोद यादव जी को दिया है, और जब हमने पेपर ट्रेल देखी तो उसमें मुझे कमल का फूल दिखाई दिया, इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, लिहाजा ईवीएम मशीन को जब्त किया जाए, और जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने इस गड़बड़ी करने में वो किए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और ये चुनाव रद्द किया जाए, और उसकी फोटोकॉपी वो जो है ना फोटो करके इसी ऐप के माध्यम से अपलोड कर देंगे, तो मैथिली शरण गुप्त को रियल टाइम बेसिस पे मालूम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। जी हम उसको डाउनलोड करके तथ्यों के साथ जो है इलेक्शन कमीशन और कोर्ट में अपना आवेदन लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, जी जी तो हम तो इनको किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं करने देंगे। अच्छा, अब ये बताइए, यदि 90 करोड़ लोग छत पे चढ़ के घोषणा करेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, ऐसे मैं विजयी बनाऊंगा, तो कम से कम 25-30% लोग तो सोचेंगे भैया ये क्राइम फ्री भारत का क्या है, इसके 21 लक्ष्य क्या है। जब आप उसे बताएंगे तो वो कहेगा ये तो बहुत अच्छा है, हम भी वोट देंगे। तो जो लोग ऐप के माध्यम से नहीं भी जुड़े होंगे, आप बताइए वो छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे। तो जी जी आप बताइए, 70% जो है ना मॉडल के तहत जुड़ के चढ़ गए और 20-25% लोग जो है देख के चढ़ गए, तो आप बताइए यदि 99% और 99% यदि छत पे चढ़ के कहेंगे कि प्रमोद यादव मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, तो क्या ये राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेंगे? अच्छा आप ये बताइए, क्या उनको कोई आम सभा लेने का साहस होगा? सवाल ही नहीं उठता है। उन्हें वोट मांगने जाने का भी साहस खत्म हो जाएगा। हो सही जाएगा कि बात नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो प्रमोद जी, समय कम है और जी लोगबाग सो रहे हैं, तो हमें अपने लोगों की, क्योंकि देखो कोई ना कोई तो किसी ना किसी का अपना है, सही है। तो हम जो है अजनबी लोगों के पास जाने की बजाय, जिन लोगों से बरसों से जुड़े रहे हैं, जहां हम पहले बातचीत करते रहे हैं, जिनमें हमारा विचार का और उसके बारे में ऑलरेडी मालूम है, यदि हम उनके पास पहुंचेंगे तो बड़ी आसानी से हम अपनी बात रख पाएंगे। रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? जी है? और वो चूंकि पूरे मॉडल में 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और मजे की बात तो ये है कि आप अपने लिए वोट ही नहीं मांग रहे हो, आप तो हमेशा यही कह रहे हो कि 21 लक्ष्यों के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से यदि आपको सोचना है और सोचना चाहते हैं तो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाइए। यदि आपने सोच लिया है और आपकी पारिवारिक परिस्थितियां सामने आने की इजाजत नहीं दे रही हैं, तो आप शपथकृत सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, पर्दे के पीछे बने रहिए, और यदि आपकी पारिवारिक परिस्थितियां और सोच चिंतन कह रहा है कि नहीं, हम पर्दे के सामने आके लड़ेंगे, तो उसमें जो है आपको अधिक से अधिक लोगों के पास संगोष्ठी करना है, और जो नंबर 1 पे आ जाएगा चंद्रगुप्त सबसे अधिक लोगों को जोड़ के, वो मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, नंबर 2-3 पे पहुंचेगा तो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और उसका सोच और चिंतन भी बहुत जरूरी नहीं है। एक सोच और चिंतन तो हो गया है कि वही 21 लक्ष्यों से बंधा हुआ है, क्राइम फ्री भारत से बंधा हुआ है,
लेकिन जो टेक्नोलॉजी और जो कानून बनाने की जिम्मेवारी है वो तो चाणक्य की है। तो देखिए, इस मॉडल में 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, ताज भी हमारे सिर पे आ रहा है, हम अपने लिए वोट भी नहीं मांग रहे हैं और अपने देश को हम परिवर्तित भी कर पा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता निश्चितता से हार जाएंगे यदि हम अपने सदस्य संकल्प को पूरा करें। इसलिए मैंने कहा है कि अपने सुभाष बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है, तुम मात्र अपने सदस्य संकल्प को पूरा करो, हम आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। जी, देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति लग रही है आपको क्या? नहीं तो आपको नहीं लग रहा है कि अब हमको एकदम जोर से भिड़ जाना चाहिए? नहीं वो तो हम बिल्कुल इस बात का संकल्प है, और हम आपके एक रमेश यादव जी हैं अच्छा, जो 2026 में मतलब रिजाइन था उनका, हाँ, और पूर्व न्यायाधीश अब कहलाए, 2 महीने पहले उन्होंने रिजाइन दे दिया है। हाँ, तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे संस्कार हैं, और क्या बात, योगी जी को उन्हीं ने जेल भेजा था। अरे वाह 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 हाँ वाह, हाँ हाँ तो हाँ 26 26 थे, लेकिन ये 5 साल पीछे पड़े रहे, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे राजनेता क्यों इतने दुष्ट हैं कि वो अच्छे हाँ लोगों के पीछे पड़ते हैं, दुष्टों से उन्हें कम हाँ तकलीफ है। आप हाँ बताइए, तो दुष्टों से उन्होंने राजनेताओं को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लोगों से दिक्कत है, अच्छे अधिकारियों से दिक्कत है। हाँ आपके यूपी में तो जो है ना, बेचारा उस डीएसपी ने जिसने काम उसे अरेस्ट किया था AK-47 के साथ, उस बेचारे को 17 साल सस्पेंड करके नौकरी से बाहर रखा, बड़ी मुश्किल से अभी जो है ना वो नौकरी में वापस आया है। तो यहाँ तो अच्छे लोगों के साथ दुष्टता की जाती है भाई। हाँ तो उन्होंने रिजाइन नहीं दे दिया, उन्होंने कहा कि अब जो है हाँ, और समाज की सेवा कर रहे हैं वो। देखिए, मेरा सोचना ये है कि आज की व्यवस्था को यदि हम राक्षसी व्यवस्था कहें तो इस राक्षस की जान जो है एक तोते में है जिसका नाम राजनेता है। हम जब तक समाज सेवा अच्छी नहीं कर सकते हैं, जब तक हम इस राजनेता रूपी राक्षस की जो है जहाँ प्राण है, जब तक हम इसको नहीं हाँ पराजित हाँ करेंगे, तब हाँ तक आपके जो भी प्रयास हैं यदि आप सफल भी होते हैं तो वो छड़क रहेंगे, और जैसे ही आप परिदृश्य से बाहर होंगे वो प्रयास आपके खत्म हो जाएंगे। हाँ खत्म हो जाएंगे, सही है। लेकिन यदि हम इनको पराजित करके नियम कानून व्यवस्था टेक्नोलॉजी सब ले आएंगे तो हम भारत में महापरिवर्तन स्थायित्व के साथ ले आएंगे। और यही एक जय बाबा गुरुदेव हैं, शायद आपने सुना हो उनका नाम, यही उनकी भविष्यवाणी भी है कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा वो ऐसी चीजें सोचेगा जो आम आदमी की सोच का चिंतन का विषय नहीं होगा, ऐसे परिवर्तन लाएगा, और वो परिवर्तन जो है आराम से जमीन पे उतर जाएंगे क्योंकि वो ईश्वरीय संकल्प है वो, क्योंकि ऐसा युग परिवर्तन व्यक्तियों के कारण नहीं आता है। जब तक ईश्वरीय इच्छा ना हो तब तक युग परिवर्तन तो नहीं होता है। होता है क्या? आदमी के नहीं कहने से युग परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं वो नहीं, तो कोई ऐसा महान ही पुरुष जो है, जो ऐसा विचार लेके आया हो। नहीं, वो महान व्यक्ति भी एक केवल साधन है। ये महापरिवर्तन तो ईश्वरीय विधान है, राइट? हाँ वो तो कह रहे हो, तो है सही है हाँ, तो ईश्वरीय तो। विधान है और जिसको आप महान व्यक्ति कह रहे हैं वो एक साधन है जो ईश्वर ने चुना है, बस हो गया, इतना ही है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हमें भी ये भूल नहीं करना चाहिए कि यदि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई ईश्वरीय शक्ति आपसे करा रही है। बस 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 क्योंकि देखिए, आदमी की सोच और चिंतन इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। एक नहीं हो व्यक्ति जो सकता। स्वयं ब्यूरोक्रेट रहा है, 7 साल तक डीजी पद के पद पर रहा है, वो इतनी बड़ी बातें नहीं सोच सकता है, उसकी सोच और चिंतन का विषय ही नहीं हो सकता है। ये जी तो कोई बड़ी शक्ति आपसे करवा रही है और आप उसके हाथ की कठपुतली मात्र हैं। अब आप अपने आप को बड़ा मान लें, ये आपकी गलती है, लेकिन है नहीं ऐसा। नहीं, तो आप एमपी में रहे हैं सर? मैं एमपी में भी रहा हूँ, भारत सरकार में रहा हूँ। अच्छा मैं अच्छा अच्छा 8.5 साल के लगभग भारत सरकार में रहा हूँ और एमपी में विभिन्न जगहों पर रहा हूँ। मैं आईजी ऑपरेशन कश्मीर भी रहा हूँ, अच्छा अच्छा बॉर्डर एरिया का भी मैं डीआईजी रहा हूँ, डीआईजी गढ़वाल रहा हूँ। अच्छा
हाँ, और क्योंकि मध्य प्रदेश कैडर का ऑफिसर हूँ तो 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ, तो डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिसास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। जी, तो मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने इन सब पदों पे पकाया है आपको और इस बड़े काम के लिए तैयार किया है, क्योंकि इतनी बड़ी बात एक ब्यूरोक्रेट तो नहीं बोल सकता है। बोल सकता है क्या? नहीं बोल है? सकता। अब आप ये बताइए, बिल्कुल सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करने जैसी बातें एक ब्यूरोक्रेट के दिमाग में तो नहीं आ सकती नहीं है, सकता। जब तक कि ईश्वरी विधान ना हो। और यदि ईश्वरी विधान है तो हम सब लोगों को उसमें जुड़ जाना चाहिए, स्पेशली तब जब हमारे जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हम कोई नियम कानून भी नहीं तोड़ रहे हैं, किसी को अर्जी भी नहीं लगा रहे हैं, तो और टेक्नोलॉजी अब सपोर्ट कर रही है, नहीं सही है, ठीक तो? बिल्कुल है सर, हम फिर आपकी बात दोस्त से कराते हैं, उनसे बात बिल्कुल करते बिल्कुल, हैं। हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे, ठीक हाँ, है ना? और जी, तो शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि जो मैथिली शरण गुप्त है उनका हूबहू नाम है। हाँ अच्छा, बहुत बहुत सर धन्यवाद, जो है इतनी जी देर आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए वार्ता हुई हमारी आपकी। जी ठीक देखिए, है इतने बड़े काम के लिए तो हर कष्ट सहना पड़ेगा, जी, सही है, लोगों को जागृत करना नहीं बड़ा पड़ेगा, बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी बहुत कुछ करना। सोच होगी, बड़ा विचार होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एम इन 100% एग्रीमेंट विथ हाँ, यू। और विचार आपके और बोस के बिल्कुल एक जैसे विचार हैं सर। हाँ उन्होंने बस, आईएएस का करियर छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के लायर भी हैं, हाँ हाँ और 2.5 वर्ष उन्होंने मरघट में मुर्दे जलाए, विश्वास में भरत गांधी जी, ना तो शादी है, ना कोई मकान है, ना कोई बैंक अकाउंट है उनके पास। हाँ 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 ऐसे ऐसे सच्चे महान व्यक्ति हैं, देश के सेवक हैं, बिल्कुल ठीक और बात, 2005 में माननीय संसद में उन्होंने 137 सांसदों के माध्यम से जनहित याचिका भी पेश की थी, हाँ, और 2 दिसंबर 2011 को संसद की गोयल कमेटी से प्रस्ताव पारित भी हुआ, लेकिन देश के उद्योगपतियों ने उसको लागू नहीं होने दिया। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं कि कुछ अंग्रेज डिसाइड करते हैं, कुछ काले जो है सफेद पुरुष डिसाइड करते हैं, जो कि स्वयं अपराधी हैं, बाहुबली हैं, दल बदलू हैं। ठीक है सर, फिर हम आपकी बात करवाते हैं सर। जरूर जरूर जरूर, उनका नंबर मुझे हाँ थोड़ा सा सर, पहले से दे दीजिएगा, मैं सेव कर लूंगा और हम लोग जो है अच्छा, वीडियो पे बात भी करेंगे। ठीक, उनका नंबर हम जो है आपको दे दे रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।